तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। तो जो यहाँ पे एनर्जी कैरी कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ हमारे यहाँ पे कितनी है 242 नैनोमीटर है, ये हमारी किसके बराबर होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, जो कि हमारे किसके बराबर हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी। आप यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं एनर्जी प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ 242 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। हमें यहाँ पे सिंपल क्या निकालना था, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है। अब हम यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 जूल सेकेंड होता है, मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। और जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ है पहले से गिवन है, वो हमारे यहाँ पे कितना है, 242 नैनोमीटर है। इसको हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 242 मल्टीप्लाई 10^-9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 मीटर में 10^9 नैनोमीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 10^-9 मीटर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेव लेंथ की, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 242 मल्टीप्लाई 10^-9 मीटर है। ये हमारे यहाँ पे -19 नहीं है, ये हमारे यहाँ पे क्या था, -9 मीटर था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 6.626 को हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड इसके बाद हम यहाँ पे 242 से डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6.626 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 18 का 8 1 कैरी गया, 3 2 6 एंड 7 6 3 18 का 8 1 कैरी गया, 6 3 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 19। तो यहाँ पे कितना आ गया, 19.878। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 242 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, 19.878 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या था, 10^-34 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, 10^8 है, और जो यहाँ पे 10^-9 है ये हमारा ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। नीचे हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 242 बचेगा। इसके यहाँ पे मुझे क्या करना है, पॉइंट हटाने हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर में 1000 से करूंगा तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एंड नीचे हमारा 10^3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया एंड 1000 हमारा किसके बराबर होता है, 10^3 के बराबर होता है। ये 10^3 को हम यहाँ पे बाद में ऊपर ले जाएंगे, इससे पहले हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 19878 को हमें किससे डिवाइड करना है, 242 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 8 2 16 का 6 1 कैरी गया, 8 4 32 एंड 33 3 कैरी चला गया, 8 2 16 एंड 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, 8 3 5 ये आपस में कट जाएंगे एंड यहाँ पे हम 8 नीचे ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 2 2 जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 2 8 एंड 2 2 4। तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, 4 11 में से 8 गए, हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 3। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया, 82.1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 82.1 मल्टीप्लाई 10^-34 मल्टीप्लाई 10^8 मल्टीप्लाई 10^9 और ये वाली पावर हमारी ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सारी पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, 8 9 17 था, 17 में से हम यहाँ पे -3 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा एंड 14 -34 तो पावर हमारे यहाँ पे क्या आएगी, -20 आ जाएगी। तो 82.1 मल्टीप्लाई 10^-20 और हम चाहे तो यहाँ पे एक पॉइंट आगे कर इसकी पावर यहाँ पे -19 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.21 मल्टीप्लाई 10^-19 और जो हमारे यहाँ पे यूनिट होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यूनिट हमारी किस में आएगी, जूल में आएगी। तो ये हमारे यहाँ पे इसकी एनर्जी निकल के आ चुकी है, जो कि हमारी किसके बराबर थी, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर थी। पर जो हमें यहाँ पे आंसर निकालना है वो हमें यहाँ पे किलो जूल पर मोल में निकालना है। अभी जो हमारा आंसर निकला है वो हमारे किस में, जूल पे है।
अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक मोल की वैल्यू हमारी कितनी होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक मोल की वैल्यू हमारे यहाँ पे 6.023 इंटू 10 की पावर यहाँ पे क्या होगा 23 मोल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो मैं यहाँ पे फर्दर कर लेता हूँ, तो जो हमारी एनर्जी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल वो हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको हम यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.023 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8.21 से, 1 से करेंगे तो यहाँ पे सेम ही वैल्यू आएगा 6023। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 से करना है, 3 2 6 2 2 यहाँ पे कितना आ गया 4, 0 से करेंगे 0 आएगा, 6 2 12। इसके बाद हमें यहाँ पे 8 से करना है, 8 से 24 का 4, 2 के लिए चला गया, 8 2 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 18 एंड 8 6 यहाँ पे कितना आ गया 48 आ गया। तो ये हमारा कितना आएगा 3 6 2 8 आ गया, 4 4 8 8 6 14 2 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 8 1 9 एंड यहाँ पे आ गया 4। तो यहाँ पे 5 डिजिट बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो 3 2 5 तो 49.44883 हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 49.4 मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या होगी 10 की पावर -19 एंड यहाँ पे पॉजिटिव का 23 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। यूनिट हमारी किस में आएगी, जूल पर मोल में आ जाएगी, पर हमें यहाँ पे क्या निकालना था, किलो जूल पर मोल निकालना था। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 किलो जूल में हमारे यहाँ पे क्या होता है 1000 जूल होते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हमें 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक 10 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे इसमें कर देते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 494 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल पर मोल हो जाएगा। और जो यहाँ पे 10 की पावर 3 है इसको हटाएंगे तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो रहा है, किलो जूल में हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 494 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, और यूनिट हमारी किस में निकालनी थी, किलो जूल पर मोल। ये हमारे यहाँ पे निकल के आ चुका है 494 किलो जूल पर मोल। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।